नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईश्वरा मिस्ट्री। दोस्तों, धरती पे ऐसी बहुत सी मिस्टीरियस जगहें हैं जिनका नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक ऐतिहासिक लेकिन बेहद ही डरावनी जगह है फ्रांस की कैटाकॉम्ब्स, जिसे कब्रों का तहखाना कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेरिस में कैटाकॉम्ब्स नाम की एक ऐसी सुरंग मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस सुरंग के अंदर 60 लाख से ज्यादा लोग दफन है। फिर भी ये जगह टूरिस्टों की पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इससे जुड़े दिलचस्प इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, बात है 13वीं शताब्दी की, जब फ्रांस की सरकार पेरिस को एक समृद्ध और विकसित सिटी बनाना चाहती थी। इसीलिए पेरिस के कुछ हिस्सों में सुरंगें खुदवाई गई ताकि भारी मात्रा में चूना पत्थर को प्राप्त किए जा सके, जिसका उपयोग पेरिस की सड़कें, इमारतें और ब्रिज के निर्माण में किया जा सके। इसी वजह से पेरिस में सुरंगों को खोदने का काम जल्दी शुरू करके चूना पत्थर को निकाल के इन सुरंगों को खाली छोड़ दिया गया। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे पेरिस के लोग इन सुरंगों के बारे में भूलते गए। लेकिन आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ये सुरंगें एक बार फिर से चर्चा में आई, क्योंकि उस दौरान फ्रांस गवर्नमेंट के सामने दो मुख्य समस्या थी। पहली, इस वक्त फ्रांस में लोग अकाल, प्लेग और भूखमरी जैसी भयानक समस्या से मरने लगे थे, और देखते ही देखते पेरिस शहर में बढ़ती आबादी के कारण शहर की जगह कम पड़ने लगी। बाद में इस बीमारी ने भयानक रूप ले लिया और दिन प्रतिदिन मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। मरने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि पेरिस के सभी कब्रिस्तान में मृतकों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची। यहां तक कि पेरिस का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी लाशों से भरा पड़ा था। इसीलिए मरने वाले व्यक्तियों के शवों को एक के ऊपर एक करके ढेर लगाया जाने लगा। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन जगहों पर कूड़े की तरह लाशें और उनके सड़े हुए शरीर से उन जगह की हवाएं प्रदूषित होने लगी, जिससे लोग इन बदबूदार हवाएं और प्रदूषित वातावरण से परेशान रहने लगे। इसकी वजह से लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया था। ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने उन मरे हुए लोगों को दफनाने की एक और चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे में साल 1763 में फ्रांस की सरकार ने पेरिस शहर में लाश ना दफनाने का फैसला सुनाया और लाशों को शहर के बाहर दफनाने की कोशिश की। लेकिन सरकार के इस फैसले पर चर्च की तरफ से ऑब्जेक्शन शुरू हो गए। लेकिन 17 सालों तक इस फैसले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। और साल 1780 में हालात तब बदतर हो गए जब पेरिस में मूसलाधार बारिश की वजह से कब्रिस्तान की हालत और भी खराब हो गई। कहा जाता है कि इस बाढ़ से कब्रिस्तान में डूबे हुए शवों की वजह से जमीन पूरी तरह से दलदल जैसी हो गई थी, जिसकी वजह से पेरिस के एक रेस्टोरेंट की एक दीवार गिर पड़ी और इस दीवार के गिरने से रेस्टोरेंट के तहखाने में लाशों की एक बाढ़ आ गई थी। इसके साथ शहरों की गलियों और सड़कों पर सड़ी हुई लाशों से बीमारी फैलने लगी। तब सरकार को इस समस्या के लिए ठोस कदम उठाना ही पड़ा। ऐसे में इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए ऐसी जगह तलाशी जाने लगी जहां इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दफनाया जा सके। फ्रांस की खुशकिस्मती थी कि उन्हें लाशों को दफनाने की जगह मिल ही गई। लेकिन ये जगह कोई और नहीं बल्कि पेरिस शहर के निर्माण में खुदवाई गई सुरंगें थी। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि इन सुरंगों के ऊपर खड़े पेरिस शहर की इमारतें कमजोर होने लगी। ऐसे में सरकार ने इन सुरंगों की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही इन सुरंगों को ठीक करने के बाद सरकार ने इसमें लाशों को दफनाना शुरू किया था।
कहते हैं उस वक्त 300 से अधिक लंबी सुरंगों में लगभग 60 लाख लोगों की लाशों को कब्रिस्तान से निकालकर दफनाया गया था, जो एक बहुत बड़ी तादाद थी। हालांकि फ्रांस गवर्नमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी मेहनत के बाद कब्रिस्तान से सभी लाशों को हटाकर इसी सुरंग में दफना दिया गया, लेकिन इस काम को पूरा करने में लगभग 2 साल हो गए। इसके बाद इन्हीं सुरंगों में पेरिस में मरने वाले लोगों को दफनाया जाने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके साथ ही जब फ्रांस की क्रांति में कई लोग मारे गए थे, ऐसे में उनकी लाशों को भी इसी सुरंग में रखा गया था। लेकिन दोस्तों, इन लाशों को इन सुरंगों में ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता, बल्कि उन लाशों को एक के ऊपर एक रखा जाता था। इन सुरंगों को कुछ ही दिनों बाद फ्रांस की सरकार ने संग्रहालय में बदल दिया और इस जगह को लोग आज पेरिस कैटाकॉम्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल हजारों लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं। हालांकि इस दौरान कई बार इस जगह को पर्यटकों के लिए बंद भी कर दिया गया था, लेकिन आज पेरिस के इन लाखों लाशों की हड्डियों से सजी गुफा को देखने के लिए हर कोई जा सकता है। लेकिन हाँ, यह जरूरी है कि जिसका दिल मजबूत होता है वही इस डरावनी जगह को देखना पसंद करता है। और हाँ दोस्तों, इस जगह की दीवारों को मृतकों की हड्डियों और खोपड़ियों से जोड़ा गया है, जो कि बड़ा डरावना है। अगर दोस्तों आप पेरिस कैटाकॉम्स की गुफा में घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो अपने साथ एक गाइड आपको जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की सुरंगें भूलभुलैया की तरह है, जहां बिना रास्तों की जानकारी के बाहर निकलना मुश्किल है। ये थी कुछ बातें पेरिस कैटाकॉम्स के इतिहास से जुड़ी दिलचस्प बातें। और दोस्तों, यहां हम आपके लिए ऐसी ही रोमांच से भरी वीडियो लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर ले। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का।